फरीदाबाद 5 नंबर H ब्लॉक में रहने वाली शीला और शीनू की मंगलवार को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे से गुस्साए परिजनों और पड़ोसियों ने सड़क पर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाम लगाने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लोगों में रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों को लेकर रोष था। कई बार बिजली निगम के अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक शीनू के माता पिता नहीं थे, वो यहाँ चाचा चाची के पास रह रही थी। वो CA कर रही थी। मंगलवार को वह कंबल सुखाने घर की छत पर गई, वहाँ ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों की चपेट में आकर झुलस गई। लोगों ने बिजली विभाग से इस हाईटेंशन तार को हटाने के लिए कई बार विभाग को लेटर भी लिख चुका है, मगर विभाग की ओर से इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज ये हादसा हो गया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी NIT 5 के M ब्लॉक में दोस्त के घर की छत पर मोबाइल से बात करते वक्त 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रोहित धार्मिक लीला कमेटी से जुड़कर रामलीला में सीता का किरदार निभाते थे। मृतक रोहित के परिजनों ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ये दूसरे सब डिवीजन के SDO यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है। हेलो, ये दूसरे सब डिविजन के SDO यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है। बुलाया जा रहा है यहाँ वाले SDO को, वाला SDO आएगा। दूसरे सब डिविजन के SDO बिल्कुल हमारे साथ है। जो पुलिस का एक्शन बनता है वो पुलिस करेगी, तुरंत करेगी। और बिल्कुल, और देखिए पुलिस जो बिजली विभाग के भी अधिकारी आए हैं आपके पास, देखिए अपने आप नहीं आए, उनको हायर अथॉरिटीज ने भेजा है। वो पूरी अथॉरिटी है उनको आपसे बात करने की और आपकी बात सुनने की और आप उसका समाधान करने की भी। तो वो ऐसे नहीं आगे की भी चल रहे थे पकड़, पूरी अथॉरिटी के साथ उनको भेजा गया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, देखिए पहले ही काफी आप लोग दुख दर्द में हैं, आप लोगों की जो शिकायत है पुलिस के लिए हमें लिख के दे दीजिए, हम कर देते हैं। जो दूसरी आपकी समस्याएं हैं वो लिख के दे दीजिए, हम चलते हैं आपके साथ। आपको DC साहब से, मंत्री जी से, जिससे भी मिलना है हम मिलवा देंगे। आपकी जो भी है उसको उनके सामने रख देंगे, क्योंकि रोड पे बैठना कोई सोल्यूशन नहीं है।